और तेज होगी इजराइल हमास की जंग। सेना को निशाना बनाने पर बोले अमेरिकी विदेश मंत्री। अमेरिका के विदेश मंत्री एंटनी ने रविवार को कहा कि उनके देश को आशंका है कि ईरान की भागीदारी की वजह से इजराइल हमास युद्ध तेजी से होगा। उन्होंने जोर देकर कहा कि यदि अमेरिकी सैन्य कर्मियों को सशस्त्र बल को निशाना बनाकर कोई कार्रवाई की जाती है तो बाइडेन प्रशासन उसका जवाब देने के लिए तैयार है। विदेश मंत्री ने कहा कि हम तनाव नहीं बढ़ाना चाहते, हम नहीं चाहते कि हमारी सेना या हमारे कर्मी गोलाबारी की चपेट में आए, लेकिन अगर ऐसा होता है तो हम इसके लिए तैयार हैं। यह चेतावनी दी कि 7 अक्टूबर को हमास द्वारा दक्षिणी इजराइल पर आम लोगों को निशाना बनाए जाने के बाद इजराइल की जवाबी कार्रवाई सैन्य कार्रवाई के 3रे सप्ताह में प्रवेश करने के बाद आई है। अमेरिका के विदेश मंत्री ने कहा कि मुझे आशंका है कि ईरान की ओर से लड़ाके हमारी सेना हमारे कर्मियों को निशाना बनाकर तनाव बढ़ाएंगे। यह हम ये सुनिश्चित करने के लिए कदम उठा रहे हैं कि हम अपने लोगों को प्रभावी ढंग से रक्षा करें और जरूर पन्ने पर निर्णायक जवाब दें। इजराइल का गाजा सीरिया ब्लैक हमला किया गया है। इजराइल लड़ाकू विमानों ने रविवार को पूर्वी गाजा के विभिन्न ठिकानों पर हमले के साथ सीरिया में 2 हवाई अड्डों और वेस्ट बैंक में 1 मस्जिद को निशाना बनाया जिसका इस्तेमाल आतंकी कर रहे थे। इसके साथ ही हमास के खिलाफ इजराइल का 2 सप्ताह से जारी युद्ध अन्य मोर्चों पर भी भड़काने की आशंका है। युद्ध शुरू होने के बाद इजराइल ने लेबनान के आतंकी समूह हिजबुल्ला के ठिकानों पर लगभग हर रोज गोलाबारी कर रहे हैं। लेबनान के लिए नतीजे विनाशकारी है। इजराइल के कब्जे वाले वेस्ट बैंक में भी तनाव बढ़ रहा है जहाँ इजराइल सैन्य बल शरणार्थी शिविरों में आतंकवादियों की तलाश कर रहे हैं और हर हाल के दिनों में 2 हवाई हमले किए जा रहे हैं। इजराइल के प्रधानमंत्री बेंजामिन नेतन्याहू ने सैनिकों से कहा कि यदि हिजबुल्ला ने युद्ध शुरू किया तो ये उसकी बड़ी भूल होगी। उन्होंने कहा कि हम इतने जोर से झटका देंगे जिसकी कल्पना नहीं की जा सकती और लेबनान के लिए नतीजे विनाशकारी होंगे। आपको क्या लगता है कि लेबनान को इसमें नहीं कूदना चाहिए? तो अपना कमेंट करके जरूर बताएं। इसके लिए बस इतना ही, फिर मिलते हैं नए वीडियो में। जय हिंद, जय भारत।